तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा रिसेंटली मीन्स फरवरी में बिल में अमेंडमेंट हुआ है, जम्मू कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन बिल 2021। ठीक है, तो आपको पता है ये 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, जो आर्टिकल 370 है उसको रिवोक किया गया था, जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को। ठीक है, तो उसी को अमेंड किया गया है 2021 में। ठीक है, अब देखिए क्या अमेंडमेंट हुआ है, इस चीज़ को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से देखें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021, ये इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में कब, 4 फरवरी को 2021 को। ठीक है, 8 फरवरी को पास हुआ है राज्यसभा से और 13 फरवरी को पास हुआ है लोकसभा से। ठीक है, इसने अमेंड किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को अमेंड किया। ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। अच्छा, 2019 क्या कहता था, इसमें क्या हुआ था, इसमें बाइफिकेशन हो गया था जम्मू कश्मीर का, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, चलो की फीचर देखते हैं इसमें। तो नए वाले बिल में क्या की फीचर्स हैं, तो देखिए इसमें कहा गया है कि इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया जो आर्टिकल 239A था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, 239A, ध्यान रखना है, जो एप्लीकेबल था यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी पर। ठीक है, अब वो अप्लाई होगा जम्मू एंड कश्मीर पर भी, ध्यान रखना जम्मू और कश्मीर पे अप्लाई होगा, लद्दाख में नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 239A क्या प्रोवाइड करता था, तो ये कहता था पुडुचेरी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि लेजिस्लेचर होना चाहिए एक। ठीक है, लेजिस्लेचर होना चाहिए, या तो वो इलेक्टेड होना चाहिए, या पार्टली नॉमिनेटेड होना चाहिए, या पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड होना चाहिए, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। ठीक है, ये 239A कहता था। ठीक है, चलिए ये बिल आगे क्या कहता है, बिल आगे ये कहता है कि तो जो भी 239 क्या कहा, इसमें क्या कहा गया है कि जो भी पौंडीचेरी पे अप्लाई होता है, ठीक है, जो भी पौंडीचेरी पे अप्लाई होता है, क्या जो इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, वो सब एप्लीकेबल होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में। अच्छा, इसमें एक प्रोविज़न और ऐड किया गया है, मर्जिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर्स। ठीक है, जो हमें IAS IPS होते हैं ना, देखते हैं, तो ये एक्ट स्पेसिफाई करता है जो भी मेंबर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जम्मू एंड कश्मीर में जो भी है, वो कंटिन्यू करेंगे अपनी सर्विस किसमें, दो यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, दो यूनियन टेरिटरी कौन सी हो गई, एक आपका हो गया पौंडीचेरी, एक हो गया JNK। ठीक है, अच्छा ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एलोकेशन कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ना ही प्रेसिडेंट करेगा ना ही गवर्नर करेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ये ध्यान रखना है। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है कि जो भी पोस्टिंग और ऑफिसर होंगे, ठीक है, ऑफिसर की जो भी पोस्टिंग होगी वो कहाँ से आएंगे, इन टू यूनियन टेरिटरी में, दो यूनियन टेरिटरी कौन से, पांडुचेरी जम्मू कश्मीर, तो कहाँ से आएंगे, ये आएंगे फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी, सारे यूनियन टेरिटरीज के अंदर आते हैं। ठीक है, दिल्ली, पौंडीचेरी जो भी है सब आते हैं। तो इससे हमने कहा गया है AGMUT कैडर्स, कौन से कैडर्स यूज होंगे इसमें, AGMUT कैडर्स। ठीक है, AGMUT कैडर्स किसको कवर करते हैं, 3 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा और ऑल यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अब बिल अमेंड करता है, क्या करता है, तो क्या अमेंडमेंट करता है, प्रोवाइड करता है मर्जर ऑफ ऑफिसर्स, जो भी ऑफिसर्स हैं अभी जम्मू कश्मीर के अभी, ठीक है, उनको AGMUT के साथ मर्ज कर देगा। ठीक है, ताकि जो सफलिंग हो सके, मतलब कि आपके अरुणाचल प्रदेश के कैडर्स जम्मू कश्मीर में जाएंगे, जम्मू कश्मीर के कैडर्स यहाँ पे आएंगे, तो इन्हीं राज्यों के बीच ट्रांसफ़र होगा, ध्यान रखना है हमें। ठीक है, मुंबई के कैडर्स जम्मू कश्मीर में नहीं जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।